तो क्या ऐसी कोई एज है कि किस एज में फादर बन जाना चाहिए फादर मदर बन जाना चाहिए या अगर हम लोग लेट करते हैं तो उससे कुछ मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं आ, जी बिल्कुल मतलब मदर वाला पार्ट तो हम आई थिंक पिछले पॉडकास्ट में ही हम कवर कर चुके तो, हैं कि व्हाट इज एडवांस मेटर्नल क्या कहते हैं बट मेडिकली जिसे एडवांस बट तो मान लीजिए फोर्टी के अबव को हम एडवांस पेटर्नल एज कर कहते हैं और आज कल की लाइफ स्टाइल के हिसाब से थर्टी फाइव एंड अबव ही थोड़ा सा एडवांस एज की तरफ चला गया है तो उसमें ये तो भूल जाइए कि बच्चे की परवरिश में क्या प्रॉब्लम होगी उसको आप सेपरेट पार्ट रख भी लो तो भी देर आर मेनी स्टडीज़ विच हैव प्रोवन दैट जितना एडवांस्ड एज होता है वैसे जो स्पर्म की डीएनए एन ए मतलब जो उसकी क्वालिटी होती है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आना शुरू होती है चांसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन मिसकैरेजेस ये बढ़ जाते हैं लो बर्थवेट के बेबीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं एंड एक्चुअली जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम बोलते हैं एक ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिजॉर्डर ये भी काफ़ी देखा जाता है एडवांस पेटर्नल एज पे तो ये मेडिकली आई थिंक जनरल हेल्थ के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है यू नो नॉट एवरीबडी इज इक्वली हेल्दी एट द एज ऑफ फोर्टी बट इफ़ द जनरल हेल्थ इज फाइन दैन थर्टी फाइव एन अराउंड इज़ अ गुड एज यू नो जिसके अंदर अंदर हो जाए तो अच्छा लेकिन ओवर थर्टी फाइव जनरल हेल्थ अच्छी हो तो ठीक है अदरवाइज उसको एडवांस की तरफ ही मतलब फोर्टीज़ इज़ एक्चुअली एन एडवास पेटर्न